पवन अरुणिता इस वक्त केरला में है और कल रात ये केरला पहुंचे और सुबह होते ही इन्होंने यहाँ मौज मस्ती करनी शुरू कर दी है, हर एक पल को एंजॉय करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पवन अरुणिता रेस्ट तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अभी हमारी उम्र रेस्ट करने की नहीं है बल्कि दौड़ भाग की है, इसलिए ये जहाँ भी जाते हैं जमकर मौज मस्ती करते हैं और काम के साथ साथ एक एक पल को खूब एंजॉय करते। तो चलिए केरला के कुछ दिलचस्प पवन अरुणिता के पिक्चर्स दिखाते हैं जो बता रहे हैं कि पवन अरुणिता ने केरला में किस कदर गदर काटा है। और केरला में पवन अपने बैंड मैनेजर के साथ पहुंचे, जी हाँ पवनदीप पारस और तुषार के संग मस्ती करते दिखाई दिए। फ्लाइट में पवन अरुणिता जमकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के संग और इनके बैंड मेंबर ने भी सारी हदें पार कर दी हैं। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि केरला की मशहूर चीज क्या है। कहा जाता है कि केरला राज नाम सुनते ही दिमाग में वो स्वादिष्ट पत्ते वाला खाना और नारियल याद आते हैं। वहाँ पहुँचते ही पवन अरुणिता ने कुछ ऐसा ही स्वाद चखा है। जी हाँ, पवन अरुणिता ने नारियल पानी पीना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि यहाँ के नारियल पानी का टेस्ट कुछ खास होता है, कुछ अलग होता है। ऐसे में पवन अरुणिता ने इस यादगार पल को अपनी केरला डायरी में ऐड किया है। अब बस पवन अरुणिता के पिक्चर्स आने बाकी है, क्योंकि केरला गए हैं तो पवन अरुणिता पत्ते वाला कई प्रकार का खाना भी खाते दिखेंगे और इन पिक्चर्स को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और सुनने में आ रहा है कि अरुणिता खाने की बहुत शौकीन है, हर राज का स्वाद चख कर ही मानती है। आप इन्हें क्या क्या एडवाइस देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप अरुणिता की एक फोटो सामने आई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। हाल ही में नया साल सेलिब्रेट करके लौटे पवनदीप की फोटो तो उत्तराखंड से खूब आ रही है। लगातार पवनदीप उत्तराखंड की कई जगह पर फैंस के साथ दिखाई दिए, कभी गांव वालों के साथ रात भर गाना गाते दिखाई दिए। लेकिन तब से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि अरुणिता कांचीलाल क्यों नहीं दिख रही। आखिरकार वो भी तो पवनदीप के संग नया साल सेलिब्रेट करने उत्तराखंड गई थी, फिर वो क्यों नहीं दिखाई दी। तो फाइनली अरुणिता कांचीलाल की फोटो भी सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर में छपी है। ये वही फोटो है जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। इस फोटो से पता चल गया है कि नए साल के बाद 2-3 दिन तक अरुणिता पवनदीप की फैमिली के साथ रही। अखबार के एक फ्रंट पेपर पर अरुणिता कांचीलाल अपने ससुर यानी पवनदीप के पिता के साथ नजर आ रही है। ये फोटो तब की है जब अरुणिता पवनदीप के गाँव पिथौरागढ़ के सल्ला गाँव में पूजा अर्चना के लिए पहुंची थी। पवनदीप के गाँव में एक पूजा रखी गई थी जिसमें अरुणिता कांचीलाल भी शामिल हुई थी, जिसकी पिक्चर आप देखी जानी है। वही कहा जा रहा है कि अरुणिता कांचीलाल पवनदीप ने अपनी फोटो क्लिक करवाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ लोकल पेपर वालों ने न केवल अरुणिता की फोटो क्लिक की बल्कि पेपर तक में छाप दी है। पेपर देखकर अरुणिता के घर वाले भी शॉक रह गए। अरुणिता कब और कैसे वहां पहुंची, वेल इस बारे में तो वही जाने, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक इस पेपर की पूरी खबर सामने नहीं आई है कि ये पेपर कब का है और अरुणिता कांचीलाल ये बात अपने घर वालों से अपने फैन से क्यों छुपा रही हैं। पवनदीप राजन अपने घर से वापस मुंबई आ चुके हैं, लेकिन अभी तक पवनदीप का दिल दिमाग उत्तराखंड में ही बसा है। पवनदीप जब भी घर से वापस आते हैं तो वो अपने घर की एक फोटो जरूर शेयर करते हैं। जब तक वो उत्तराखंड में रहते हैं तब तक वो फोन छूना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने परिवार, दोस्त और आस पड़ोस के लोगों के साथ बिताते हैं। तो फाइनली अब पवनदीप नया साल मनाकर जब मुंबई लौटे तो वो बीते हुए दिनों को याद करते हुए दिलचस्प फोटो शेयर करनी शुरू कर दी है। पवनदीप अपनी सबसे प्यारी माँ की फोटो शेयर कर रहे हैं जिनके साथ पवनदीप बहुत करीब हैं, और इन फोटोज को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप घर में बिल्कुल फ्री नहीं रहते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं और ना ही वो ज्यादा देर तक सोते हैं। सुबह उठते ही वो अपनी माँ के संग वॉक पर निकल जाते हैं। जी हाँ, एक फोटो सामने आई है जिसमें पवनदीप अपनी माँ के संग सड़क पर टहलते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के अलावा इनका प्यारा सा क्यूट सा डॉग भी दिखाई दे रहा है जो कैमरे की तरफ पोज देता दिखाई दे रहा है। इस डॉग पर ढेर सारे कॉमेंट्स भी मिल रहे हैं। इस फोटो पर तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पवनदीप अपनी माता जी के संग तो घूम रहे हैं लेकिन अरुणिता कहाँ है, अरुणिता भी तो इनके साथ ही गई थी, तो फिर इस फोटो में अरुणिता क्यों नहीं नजर आ रही थी। क्या जो फोटो क्लिक कर रही है वो अरुणिता ही हो सकती है। जी हाँ, शायद पवनदीप और उनकी माँ की फोटो क्लिक करने वाली अरुणिता हो सकती है। पवनदीप की माँ ने गर्म कपड़ों से खुद को ढक कर रखा हुआ है। भाई पवनदीप का स्टाइल तो देखिए, उन्होंने गले में स्कार्फ जरूर डाला है लेकिन वो इतनी ठंड में भी टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप की माँ स्वेटर शॉल में दिखाई दी तो वहीं पवनदीप सिर्फ व्हाइट टी शर्ट में घूमते दिखाई दिए। उनकी इस फोटो को देखकर लोग कह रहे हैं कि पवनदीप को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, ठंड लग सकती है और वो बीमार पड़ सकते हैं, ऐसे में पवनदीप को गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए। आप इस फोटो को देखकर क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो फैंस पवनदीप अरुणिता का आज से 3 दिन बाद केरला में शो होने वाला है, जिसके लिए पवन अरुणिता ने काफी सारी तैयारियां कर ली हैं और हो सकता है कि ये कल या परसों केरला के लिए निकलने वाले हैं। उसके बाद 11 जनवरी को मुंबई में पवन का सोलो कॉन्सर्ट है, फिर 14 जनवरी को कल्याणी में पवन अरुणिता ड्यूट शो के लिए जाएंगे और 19 को भुवनेश्वर में पवन अरुणिता ड्यूट कॉन्सर्ट के लिए जाएंगे, 21 को जोधपुर में पवन अरुणिता का ड्यूट कॉन्सर्ट है, 22 को सूरत में, 24 को भुवनेश्वर में, 27 को अहमदाबाद में कॉन्सर्ट रहेगा जो कि प्राइवेट कॉन्सर्ट रहेगा। पवनदीप अरुणिता के जनवरी के महीने की शो की पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। देखा जाए तो पूरी जनवरी पवन अरुणिता बहुत बिजी रहने वाले और इनका ये शो बिंदास होगा, धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नए साल की नई शुरुआत में पवनदीप अरुणिता कुछ नया भी करेंगे और अपने फैंस को शॉकिंग सरप्राइज देने भी आ रहे हैं। तो अब तक आपने भी पवनदीप अरुणिता के शो की डिटेल सुनी ली होगी। अगर आप इन्हें कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पवनदीप इस वक्त पिथौरागढ़ में खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। पवनदीप के फैंस उनके साथ ढेर सारे फोटोज भी शेयर कर रहे हैं। अब तक कई सारे फोटोज पवनदीप के संग पिथौरागढ़ से देखे जा रहे हैं। पवनदीप पिथौरागढ़ में जहां जहां घूमने जा रहे हैं वहां वहां उनके फैंस उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ गेम खेल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और नाच गाना भी हो रहा है। कल हमने आपको पवनदीप के घर वाली वीडियो दिखाई थी, जिसमें पवनदीप नए साल पर अपने गांव वालों के संग नया साल मनाते नजर आए थे। वहीं अब उनके संग ढेर सारे फैंस भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं फोटोज में अरुणिता को बहुत मिस किया जा रहा है। आखिर अरुणिता क्यों नहीं दिख रही हैं? तो अरुणिता की पिक्चर्स भी सामने आ चुकी हैं। अरुणिता भी पवनदीप के संग उत्तराखंड में ही है और ये बात अब साबित हो चुकी है। उत्तराखंड से अरुणिता की जो पिक्चर सामने आई है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पवनदीप ने अरुणिता को छुपा कर रखा है। जी हाँ, पवनदीप जब दिन में अपने फैंस के संग होते हैं तो अरुणिता नहीं दिखाई देती है, लेकिन रात में वो अरुणिता के संग घूमते दिखाई देते हैं। जी हाँ, फोटोज में पवनदीप अरुणिता रात के वक्त पहाड़ों में घूमते दिखाई दिए। अरुणिता पवन के संग पहाड़ों पर घूमती बहुत खुश नजर आ रही है। फोटो से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवन अरुणिता ने नया साल पहाड़ों पर सेलिब्रेट किया। अरुणिता गर्म कपड़ों में खुद को ढक कर घूमती नजर आ रही है, बहुत प्यारी लग रही है। आप पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं।